नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए बिजू टेक्निकल इंजीनियरिंग चैनल को और उसके साथ बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो है सीलिंग फैन और टेबल फैन की जो शाफ्ट होते हैं उसे आप कैसे हाइड्रोलिक जग की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप जो स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है और यहाँ पर मैं 8000 kg यानी कि 8 टन हाइड्रोलिक जग को यहाँ पर यूज किया हूँ। और ये जो आप सामने देख रहे हैं जो ब्लू कलर वाला जो हिस्सा है वो हाइड्रोलिक जग है और ये 8000 kg तक का लोड ये उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं इसे आपको एक हाइड्रोलिक प्रेस बना करके दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये जो फ्रेम इसे मैंने बनाया हुआ हूँ वर्कशॉप में जा करके। और दोस्तों, ये जो टॉप वाला हिस्सा था ये सिलेंडर यानी कि ये हाइड्रोलिक जग का सिलेंडर और इस दोनों देख रहे हैं इसका हैंडल आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मैं कहाँ पर लगा रहा हूँ। और इसे अप डाउन करेंगे तो इसके अंदर एयर इंक्रीज होगा और इसकी मदद से एयर ऑयल को प्रेशर दे करके ये जो सिलेंडर है उसे ऊपर उठाएगा। दोस्तों, इस काम के लिए आपको ज़रूरत होगी कुछ सॉकेट्स। मैंने आप ऐसा ही दोनों सॉकेट्स ले आऊँ और एक GI का एक प्लेट ले आऊँ। आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिए कि इसका गेज भी अच्छा है। और उसके साथ एक लकड़ी भी यहाँ पर मैंने ले आऊँ। और ज़्यादातर तो ये लकड़ी यूज नहीं होता है, बट कहाँ कहाँ पर यूज होता है वो मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पर सर जो लकड़ी और ये हाइड्रोलिक जेट यहाँ खोला हुआ है क्योंकि इसे मैंने अभी तक और थोड़ी सी मॉडिफाई करना मेरा बाकी रह गया है, तो इसलिए मैं इसे खोल करके ऐसे ही रखा हूँ। बट मेरे काम पूरे अच्छी तरह से अब तक चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टॉप फ्रेम है, आप एक बात ध्यान रखिए कि आपका सिलेंडर की जो एक्सेल और सॉरी हाइड्रोलिक का जो सिलेंडर है उस ये आपका ये जो दोनों फ्रेम आप देख रहे हैं ऊपर के साइड में उसकी पूरे मिडिल पोजीशन में होना चाहिए ये जो हाइड्रोलिक का सिलेंडर। दोस्तों, ये है उसका हाइड्रोलिक जग का बैक व्यू। और ये जो ब्लैक वाला जो आप देख रहे हैं ये इसमें हाइड्रोलिक ऑयल इंसर्ट करने के लिए ये जो और दोस्तों यहाँ पर मैं एक सीलिंग फैन स्टेटर और टेबल फैन की जो रोटर होते हैं उसका एक एक करके शाफ्ट को चेंज करके दिखाऊंगा यहाँ पर एक। और ऐसे ही आप सारे के सारे जितना सारे भी सीलिंग फैन होते हैं आप ये हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से आप उसकी शाफ्ट को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा टेबल फैन या फिर वॉल फैन, स्टैंड फैन, किसी का भी शाफ्ट को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये जो GI प्लेट आप देख रहे हैं ये मेरा ये जो मिडिल भाग है इस हाइड्रोलिक सिलेंडर के मिडिल में आप ऐसे रख दीजिए और पूरे बैलेंस करके रखिए ताकि ना गिर जाए एक साइड। और ये जो मैं नॉब को टाइट कर रहा हूँ ये जो रिलीज नॉब है इसे आप इस हैंडल के टॉप भाग में कुछ ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है इसे टाइट करने के लिए, इसकी मदद से आप उसे अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए। और उसके बाद इस हैंडल को यहाँ पर आप पुश कर दीजिए सिंपल सी। और ये जो सीलिंग फैन, आप सबसे पहले इस सीलिंग फैन को देखिए कि कौन सी साइड में ये बाहर निकल आ सकता है, ये जो शाफ्ट होते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए ये पीछे तरफ ये आसानी से आ सकता है। तो आप देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, एक GI सॉकेट को सीलिंग फैन के जो 62 से एक बेयरिंग लगता है उस साइड
कि शाफ्ट पर लगा दिया। और ये जो नॉब है रिलीज नॉब, इसे मैं अच्छी तरह से टाइट कर चुका हूँ और ऐसे ही पोजीशन में रखा हुआ हूँ। और ऐसे रखने के बाद आप ये हैंडल को मैं अप डाउन कर रहा हूँ, और ये जो हाइड्रोलिक का सिलेंडर है ये भी थोड़ी सी ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप इसमें देखिए कि ये उसका टॉप व्यू है, और जैसे ही पूरे ये जो सॉकेट है दोनों फ्रेम के बीच में रहती रहा है पूरे सेट होकर के, आप बिल्कुल वैसा कीजिए। और उसके बाद ये हैंडल को आप अप डाउन कीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये सीलिंग फैन साफ बाहर निकल रहा है। वाह, ये तो पूरा कमाल हो गया। आप देख सकते हैं कितनी कम वक्त में ये सीलिंग फैन एक्सेल बाहर आ गया। दोस्तों इस हाइड्रोलिक प्रेस की एक जो फायदा होता है कि सीलिंग फैन एक्सेल को आप बिना इसके जो पेपर जो होते हैं, अगर आपने इस सीलिंग फैन एक्सेल को हमर से हमरिंग करके खोला तो जो पेपर है उसका घट जाता है। तो यहाँ पर अक्सर वैसा कुछ भी नहीं होगा ये हाइड्रोलिक जॉक की मदद से। तो चलिए दोस्तों अभी मैं एक ये टेबल फैन की शाफ्ट को चेंज करके आपको दिखाता हूँ। तो टेबल फैन की शाफ्ट चेंज करने सबसे पहले ये हाइड्रोलिक को सिलेंडर को डाउन करने के लिए इसकी मदद से मैं थोड़ी सी इसे लूज कर लेता हूँ। ये जो प्रेशर रिलीज नॉब है यहाँ पर, इसे लूज करने पर यहाँ पर जितने सारे प्रेशर होगा वो बाहर आ जाएगा। और आप मैं इसी हाइड्रोलिक सिलेंडर को नीचे कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जैसे ही मैंने सीलिंग फैन एक्सेल को खोला था पूरे वैसे ही इसे भी मैं खोलूँगा। और यहाँ पर मैं इसकी नॉब को पूरे अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ ताकि यहाँ पर कोई भी हवा ना निकल जाए थोड़ी सी भी। तो दोस्तों उसके बाद ये जो सीलिंग फैन की जो रोटर, सॉरी टेबल फैन की जो रोटर है उसको मैं ऐसे पोजीशन में रख देता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। अभी ये हैंडल को मैं ऐसे अप डाउन करना शुरू कर चुका हूँ, और आप देखते रहिए कि कैसे ये जो सिलेंडर का, सॉरी हाइड्रोलिक जॉक का सिलेंडर कैसे ऊपर आ रहा है। और अभी मैं थोड़े से आपको टॉप व्यू दिखाना चाहूँगा, क्योंकि आप अभी मैं कुछ आपको डेमो दिखाऊंगा कि आपको कैसे ये दोस्तों आप देखिए इस अभी ये जो पोजीशन है ये अभी गलत पोजीशन में यहाँ पर सेट हुआ है, क्योंकि ये इसका जो ये जो सॉकेट है इसका एक भाग जो फ्रेम में लगा हुआ है और दूसरे भाग फ्रेम से नहीं लगा हुआ है। तो ये प्रोसेस जो है ये गलत है, तो इसलिए हम इसे फिर से डाउन करने के लिए सिलेंडर को अभी मैं प्रेशर नॉब को थोड़ी सी रिलीज कर दूंगा, और उसके बाद इस प्रेशर नॉब को थोड़ी सी डाउन भी कर दूंगा, और फिर से मैं रिट्राई करूंगा साइज करने के लिए। तो दोस्तों देखिए ये पूरे ऐसे पोजीशन में होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे पोजीशन ये सही पोजीशन है शाफ्ट निकलने का। और अभी मैं प्रेशर नॉब को टाइट कर दूंगा। एक बात याद रखें, जब भी आप कोई भी सिलेंडर, सॉरी कोई भी एक्सेल को चेंज करने के लिए जाते हो तो सबसे पहले आप ये जो प्रेशर रिलीज नॉब है आप उसे अच्छी तरह से टाइट कर लीजिए और हैंडल से ही टाइट कीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अभी टाइट कर दूंगा। अभी मैं टाइट कर चुका हूँ और हैंडल को वापस मैं लगा चुका हूँ, और फिर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सिलेंडर ऊपर जा रहा है और सीलिंग, सॉरी टेबल फैन की जो एक्सेल होता है वो बाहर आ गया। आप देख सकते हैं कि इतना कितना ये सिंपल है और कितना कम टाइम कम वक्त में ये और आसानी से हो जाता है ये शाफ्ट एक्सचेंज का मेथड।
दोस्तों अभी मैं इसी शाफ्ट को आपको फिर से फिट करके दिखाऊंगा कि अगर अगर आपको शाफ्ट इसे सिर्फ खोलना नहीं, इसे फिटिंग भी यानी कि इसे सेट भी कर पाएंगे आप। तो इसे मैं थोड़ी सी लूज़ कर लेता हूँ ताकि जो जितना एयर था वो बाहर चला जाए। और सीलिंग फैन जिस तरह से हमने खोला था उसी की ऑपोजिट में उसे जो सॉकेट था सॉकेट का मैं लगा दूंगा। और लगाने के बाद इसे थोड़ी सी मैं डाउन कर लेता हूँ और उसके बाद ये सीलिंग सॉरी ये रोटर के शाफ्ट को मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और नॉब को मैं अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ ताकि कोई भी थोड़ी सी एयर यहाँ पर लीकेज होकर बाहर ना जाए और मेरा काम पूरे परफेक्ट हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि सीलिंग फैन की सॉरी टेबल फैन की जो एक्सेल है कैसे वो रोटर के अंदर प्रेस करके जा रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ये शाफ्ट चेंज करने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे आप अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे दूंगा, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये अब तक मेरे से 4,000 रुपये के आसपास में ये मुझे मिला है और इसे थोड़ी सी मॉडिफाई कर देंगे तो फिर और 1,000 अधिक भी हो सकता है तो पूरे ऑटोमेटिक हो जाएगा ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितने अच्छी तरह से ये रोटर के साथ शाफ्ट पूरे सेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहूँगा। तो फिर से मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।